मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब इसी तरह की और एक जानकारी, सांप जैसा ही कई बार लोगों को बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पियो। और जब दर्द होता है ना तो वो आदमी बताता है कि क्या तकलीफ है उसको, दूसरा जान नहीं सकता उसकी पेन कितनी होती है, भयंकर पेन होता है, बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू काट लेगा तो क्या करें, तो ऐसी ही एक और मेडिसिन है, उसका नाम आप लिख के रखिए। उस मेडिसिन का नाम है सिलिशिया, SILICEA, SILICEA, सिलिशिया। उसके आगे पोटेंसी उसकी लिखना 200, और ये भी लिक्विड फॉर्म में रखनी है 5 ml घर में। और इस दवा को भी वैसे ही यूज करना है, एक एक ड्रॉप टंग पे 10 मिनट में 3 बार। अब बिच्छू काटता है तो क्या होता है, बिच्छू काटता है तो उसका जो डंक है ना वो उसको अंदर छोड़ देता है, वो डंक है वो पेन करता है। बिच्छू काटे और डंक को बाहर निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काट के वो जो छोड़ देता है अंदर उसमें सारी तकलीफ आ जाती है। तो अब उस डंक को बाहर निकालना और ये आसान काम नहीं है, डॉक्टर के पास जाएंगे वो कट करेगा, चीरा लगाएगा, फिर खींच के निकालेगा, उसमें ब्लीडिंग भी बहुत होगी, तकलीफ भी बहुत होगी। ये मेडिसिन इतनी बेहतरीन मेडिसिन है कि आप इसके 3 डोज देंगे 10-10 मिनट पर एक एक बूंद, और आप देखेंगे कि वो डंक अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, और अपने आप ही आ जाएगा, जिस रास्ते से वो अंदर गया उसी रास्ते को फाड़ के वापस आ जाएगा। और आप हाथ से उठा के रख दीजिए और वो पेशेंट कहेगा दर्द गायब हो गया बिल्कुल। 3 डोज में, आधे घंटे में आप उसको पेन से रिलीफ कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त मेडिसिन है ये सिलिशिया, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये मेडिसिन मिट्टी से बनती है। ये जो नदी की मिट्टी होती है ना, नदी की मिट्टी जिसमें थोड़ी बालू रहती है, उसी से ये मेडिसिन बनती है, और बिच्छू काटने के लिए बहुत अच्छे से काम आती है। वैसे हम लोग इस मेडिसिन को और भी बहुत सारे काम में लेते हैं। एक और जानकारी दूं कि अगर आप सिलाई मशीन पे काम कर रहे हैं कई बार, या कुछ धागा वागा पिरोने का सीने का, तो सुई चुप जाती है और अंदर टूट जाती है या फंस जाती है, उस समय भी ये मेडिसिन आप ले लीजिए, वो सुई को बाहर निकाल देगी। सिलाई मशीन, SILICEA, उसके आगे नंबर है 200 उसकी पोटेंसी। तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं जब बिच्छू ने डंक मारा हो, सिलाई मशीन में काम करते समय हाथ में सुई घुस गई हो, टूट गई हो, कांटा लग गया हो, वेरी गुड, कांच लग गया हो, वेरी गुड, अब तो आपका माइंड चलने लगा, बहुत अच्छा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपका माइंड ऑपरेशनल हो गया है जी। वो क्या होता है, यस, यू कैन यूज ततैया, हनी भी, मधुमक्खी ने काट लिया हो, ततैया ने काट लिया हो, ये सब जो काटने वाले अंदर जो छोड़ देते हैं वो सब के लिए आप इसको यूज करें। बहुत तेज पेन रिलीवर है, और जो कुछ अंदर छूटा हुआ है उसको बाहर निकालने की मेडिसिन।